अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी पर एक कार्यक्रम में हमला हुआ है। बता दें कि बेफेलो के पास चौटा उक्का में चाकू घोपकर घायल कर दिया है और हमले के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं सलमान रुश्दी को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है और सर्जरी के बाद उनकी एक आँख जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सलमान रुश्दी सर्जरी के बाद अपनी एक आँख खो सकते हैं। इसके अलावा उनके हाथ की नसें भी फट गई है और हमलावर द्वारा किए गए चाकू से हमले में उनका लीवर भी डैमेज हो गया है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक संदिग्ध की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हेडी मैटर के रूप में हुई है। बता दें कि सलमान रुश्दी का जीवन काफी विवादित रहा है और साल 1989 में उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी और आज सुबह लेक्चर देने से पहले एक कार्यक्रम के लिए मंच पर जाते समय लेखक पर जानलेवा हमला किया गया। कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।